एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रिया सिंह एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा बैकग्राउंड इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है। बिकॉज आई एम इन द किचन राइट नाउ एंड आज की वीडियो का टाइटल देख के एंड मेरा बैकग्राउंड देख के आप लोग समझ गए होंगे कि दिस वीडियो इज ऑल अबाउट लाइक कुकिंग फॉर लेगेट 24 आवर्स। सो आज मैंने मम्मी को छुट्टी दे दी किचन से कि जाइए आप आराम कीजिए, टीवी देखिए, मौज मस्ती कीजिए। एंड मैं आज किचन में बनाने वाली हूँ लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर से लेके स्नैक्स सब कुछ। तो मैं काइंड ऑफ ये ब्लॉग समझ सकते हो आप, या फिर मैं टोटली आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो अभी बज रहा है 9, सब लोग रामायण देख रहे हैं एंड मैं किचन में हूँ एंड आई एम रेडी टू मेक नूडल्स। सो मॉर्निंग में हम लोग मोस्टली पोहा खा लेते हैं या फिर नूडल्स, तो मतलब मोस्टली तो पोहा ही खाते हैं, बट आज मैंने सोचा कि नूडल्स थोड़ा ट्राई किया जाए, काफ़ी दिन से पोहा खा खा के बोर हो गए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नूडल्स के लिए मैंने सारी वेजीज काट के रख ली है, लाइक कैरेट, शिमला मिर्च, अनियंस एंड ग्रीन चिली। अगर आप चाहते हो तो कुछ और भी काट सकते हो। देन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था इंडक्शन पे, तो मैं अपने नूडल्स बॉईल कर लेती हूँ। मैं अराउंड इसे 4 to 5 मिनट्स बॉईल करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि कढ़ाई में भी थोड़ा पके नूडल्स। तो यहाँ पे मैं लाइक 75% कच्चा रखती हूँ एंड यहाँ पे मैंने सारी प्रिपरेशंस कर ली है अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, क्योंकि फिर क्या होता है ना, मैं भूल जाती हूँ कि ये डालना रह गया था, वो डालना रह गया था। और फिर मैं यहाँ पे कढ़ाई में सबसे पहले सरसों का ऑयल डालूंगी। आप चाहते हो तो रिफाइंड भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं पे रेसिपी भी इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि मतलब आप लोग पूछो कि दी आप कैसे बनाते हो। फिर यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज डाली, देन अनियंस डाले एंड अनियंस को थोड़ा सा हल्का सा पकाती हूँ एंड तुरंत मैं शिमला मिर्च डाल देती हूँ, शिमला मिर्च प्लस कैरेट्स, या फिर आपको कैबेज डालना है तो कैबेज भी डाल सकते हो, बट मेरे पास जितना सामान रहता है मैं उस टाइम पे। एंड वेजीज मेरी कुक हो जाती है, उसके बाद मैं थोड़े से मसाले डाल देती हूँ, लाइक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कुरिएंडर पाउडर, फिर सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, विनेगर, टोमेटो सॉस, जो भी आप टाइप के काइंड ऑफ सॉस डालना चाहते हो सारे डाल लीजिए। एंड फिर उसको अच्छे से पका के अपने नूडल्स को उसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए, क्योंकि मिक्सिंग का ही खेल है वो, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो मैं एक स्पून के मतलब आई मीन एक फोक की हेल्प से और एक पलटे की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ एंड एज यू कैन सी मेरा नूडल्स रेडी है। सो माई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज़ रेडी एंड मैं इसको खाऊंगी एंड आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि एक्चुअली में कैसा है। लेट मी टेस्ट दिस। इसे मैं अच्छा ही बनाती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। सो यम्मी। थोड़ी सी कमी लग रही है उसकी टोमेटो सॉस की, बट वो ख़त्म हो गया था, बट कोई नहीं, बहुत ही यम्मी है। मैं इसको जल्दी से खाऊंगी। हाय, वेलकम बैक इसलिए क्योंकि एक बजने में अभी 10 मिनट बाकी है एंड मैं तब से पढ़ाई कर रही थी। आज मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि मैं आफ्टर लंच वीडियो शूट करूँगी। एंड यार हम लोग कुछ भी काम करते हैं, मतलब आई मीन वीडियो शूट कर रही हूँ। सो एक बज गए हैं तो अभी मैं खाना बनाने जाऊंगी, लंच बनाऊंगी। तो लंच में मोस्टली तो वैसे हमारे यहाँ दाल चावल ही बनता है और कोई सब्जी बन जाती है, बट आज कुछ है तो जिसकी वजह से दाल चावल नहीं बनेगा, तो रोटी सब्जी बनेगी जिसमें दी मेरी हेल्प करने वाली है, तो वो थोड़ा सा मुझे गाइडेंस देगी क्योंकि, और भिंडी की सब्ज़ी बनने वाली है, तो भिंडी तो मेरी फेवरेट है, मेरी क्या मतलब घर में मोस्टली सबकी फेवरेट है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है वही बना लिया जाए। तो अभी थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट करूँगी एंड फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। सो गाइज, लंच का टाइम हो गया है तो 1 बज रहे हैं एंड मेरी काइंड ऑफ और प्रिपरेशंस हो गई है। मैं आज दोपहर में बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी एंड रोटी, अगर जिसको पराठा खाना है पराठा बना दूँगी। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या कट करके रखे हैं। सो यहाँ पर मैंने भिंडी कट करके रखी है, फिर देन सम वेजिटेबल्स लाइक अनियंस, टोमेटोज एंड ग्रीन चिली,
तो सब कुछ प्रिपेयर है एंड मेरी दीदी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करने वाली है, लाइक मुझे वो गाइडेंस देगी एंड वो चुपने की कोशिश करी कि वो वीडियो में ना जाए भाई, तो शी इज़ अ शाई गर्ल, फॉरगेट दैट। सो भिंडी की सब्जी बनाना सबसे ईजी है, आप कढ़ाई में ऑयल गर्म कीजिए, देन थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए, थोड़ी सी मिर्ची, देन अनियंस डाल दीजिए, मतलब मिर्ची जब आपकी फ्राई हो जाए देन अपने अनियंस डाल दीजिए, फिर अनियंस को अच्छे से फ्राई कीजिए। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो आप इसके अंदर अपने फेवरेट मनपसंद मसाले डाल के एंड अपनी भिंडी डाल दीजिए। अब आप लोग सोचोगे कि मैंने जो टोमेटोज़ काट के रखे थे वो क्यों डाले, क्योंकि वो आपको लास्ट में डालना है, क्योंकि असली टोमेटोज़ को टेस्ट लास्ट में आता है। तो तब तक मैं यहाँ पे, मेरी जब पक रही है मैं यहाँ पे आटा गूंथ लेती हूँ। एंड सो मैंने अपना आटा गूंथ लिया है एंड आटा बहुत ही सॉफ्ट गूंथा है। सो आटा तो गूंथ चुका है, अब रोटियाँ बनाना बाकी है, तो मैं फेस वॉश करके आऊँगी अच्छे से, देन अपने हैंड वॉश भी करके आऊँगी, फिर रोटियाँ बेलूँगी एंड मेरी सब्जी भी ऑलमोस्ट रेडी है। सो जैसे कि मेरी भिंडी की सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, तो अब बस इसको हल्का सा और पकाना है एंड उसके बाद फिर मैं रोटियां बेलूंगी। सो फाइनली रोटियां भी बन चुकी है एंड यू कैन सी कि मुझे ऑलरेडी, मैं बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कर रही हूँ। दीदी यहाँ पे टेस्टिंग के लिए आ गई हैं, टेस्ट करने के लिए कि सब्जी कैसे बनी है। अगेन द कैमरा शाई गर्ल। तो अब जल्दी से फिर हम लोग लंच कर लेते हैं एंड उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगी। एंड माई यमी लंच इज रेडी। सो गाइस, आप लोग बहुत बोलते हो कि दी आप रेगुलर बेसिस पे व्लॉग बनाया करो, व्लॉग बनाया करो, तो मेरे व्लॉग ना बनाने का रीज़न देख रहे हो, ये लड़की है, ये लड़की जो बहुत ज़्यादा कैमरा शाय है, ये मुझे कभी वीडियो नहीं बनाने देती, ये बोलेगी मुझे पढ़ाई करनी है, प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाओ, और मुझे भी तो शांति चाहिए ना। गाइस शाम के बज रहे हैं अराउंड लाइक 7 o'clock एंड मैं आज बनाने वाली हूँ स्नैक्स में आलू टिक्की विद छोला। तो अभी जस्ट प्रिपरेशन आई मीन हो गई है ऑलमोस्ट, मतलब मैंने आलू बॉईल करके फ्रिज में डाल दिया है एंड छोले भी उबाल दिए हैं, तो अब मैं फाइनली जा रही हूँ बनाने, क्योंकि उसमें टाइम भी लग सकता है, फिर डिनर भी होगा, मेरी देखो डिनर बनता है कि नहीं, बट और स्नैक्स के टाइम में तो यही मैंने सोचा कि चलो यही बना लेते हैं। बाय द वे यूट्यूब से रेसिपी देखी है, होपफुली अच्छा बने। चलो फिर जल्दी से मिलते किचन में। सो इट्स स्नैक टाइम एंड आई एम मेकिंग आलू टिक्की, यू कैन सी दिस। अभी मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ एंड जल्दी से इसे बना लेती हूँ। एंड बाय द वे मेरा छोला भी ऑलमोस्ट रेडी है, यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, सारे मैंने यूट्यूब से देख के बनाया है, सो होपफुली अच्छा बनाओ। सो एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट रेडी, तो मैं जल्दी से इसे प्लेटिंग कर देती हूँ एंड सबको सर्व करती हूँ। एंड डैम इट यार, सबको इतना पसंद आया था ना यार ये टिक्की छोला, लाइक एकदम शॉप का। सो दैट्स फॉर ऑल गाइज, होपफुली आपने ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय की हो एंड अगर आप चाहते हो कि मैं एज सच बहुत सारे ब्लॉग्स लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड ऑल्सो गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि लॉकडाउन चल रहा है तो प्लीज़ आप घर पर रहो ना यार, इतनी सारी आप अमेजिंग डिशेस खुद बना के खा सकते हो, लाइक सीरियसली मुझे इतना कुछ बनाने आ गया ना, पहले कुछ भी नहीं आता था लेकिन मैंने इस लॉकडाउन में बहुत कुछ बनाना सीख लिया। इसी बहाने कम से कम यार आप लोग अपने घर की, अपनी मम्मी पापा की हेल्प कर सकते हो घर के काम करने में, यही सब कीजिए, यही सब करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बाय गॉड बहुत मज़ा आ रही है घर बैठ के, क्योंकि मैं अपना पूरा काम मेरा सॉर्टेड होता है, मेरी स्टडी भी हो जाती है, देन खाना बनाना भी मुझे काफ़ी हद तक आ गया है एंड मैं बहुत ही ज़्यादा सीख रही हूँ। तो ऑन अ सीरियस नोट मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ यार, प्लीज़ आप घर पे रहिए, डॉक्टर्स पुलिस मैन कितनी ज़्यादा आपके लिए कर रहे हैं, प्लीज़ उन्हें एटलीस्ट उनके बारे में सोच के आप लोग घर पे रहिए, अब जो सिचुएशन चल रही है उसको टैकल करने के लिए आप घर पे रहिए, ताकि हम इस कोरोना वायरस से जल्दी छुटकारा पा सकें। एंड गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस एंड मैं ऐसी वीडियोस बहुत सारी लेके आती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।